हेलो गाइज, माई सेल्फ आर के विक्रम वर्मा। और अभी हम लोग सेंसेक्स के एक्सपायरी का डिटेल्स एनालिसिस देखने वाले हैं। तो कल है फ्राइडे और कल फ्राइडे को सेंसेक्स का एक्सपायरी है। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कि सेंसेक्स किस तरीके से बिहेव करने वाला है। ओवरऑल मार्केट बहुत ही कंटिन्यू 2-3 दिन से ये गिरता जा रहा है मार्केट। और अभी देखते हैं कहाँ पे इसका होल्ड हो सकता है, क्या कर सकता है। और ये जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ये कनाडा का जो भी चीज़ें इशू चल रहा है कनाडा और इंडिया के बीच में, ये कारण हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन हम लोग लॉजिकली सारी चीज़ें लेवल टू लेवल करने वाले हैं। न्यूज बेस जो भी होगा, हम लोग लेवल टू लेवल देखेंगे कि नीचे कहाँ पे सपोर्ट है, वहाँ तक का प्लान करने वाले हैं। तो कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी। सेंसेक्स के एक्सपायरी में अगर अभी हम लोग वीकली बेसिस पे अगर चार्ट को देखते हैं, तो वीकली बेसिस में हम लोग देख पा रहे हैं कि मार्केट बिल्कुल जो कंटिन्यू यहाँ पे देखिए, ये वाला जो मार्केट ने रैली दिखाया था, रैली दिखाया, मार्केट रिटेस्ट किया और जो ऊपर गया था, तो ऊपर जाने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखा। ये देखिए डबल टॉप यहाँ बना हुआ था, डबल टॉप होने के बाद एक रिजेक्शन आया। तो हो सकता है ज़्यादा ज़्यादा यहाँ तक मार्केट आए और यहाँ से फिर कमबैक करने की कोशिश करे, शॉर्ट कवरिंग यहाँ से दिखा सकता है। तो मार्केट में अभी भी जिस तरीके से देखा जाए तो नीचे गैप बचा हुआ है जहाँ जाने की पॉसिबिलिटी है। या तो दूसरा चीज़ क्या हो सकता है कि अभी मार्केट जहाँ है वहीं से गैप अप ओपनिंग हो जाए, या तो फिर ऊपर निकल जाए, तब एक प्लान किया जा सकता है कि मार्केट ऊपर शॉर्ट कवरिंग दिखा सकता है। अब बात करी जाए डेली बेसिस के चार्ट पे, अगर हम लोग देखते हैं तो डेली बेसिस के चार्ट पे अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि मार्केट जिस तरीके से नीचे आया है, तो ये वाला जोन इसके लिए एक कंसोलिडेशन वाला एरिया था, एक जोन था जो कि मार्केट ने पहले भी यहाँ जो कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दिया था। तो मार्केट हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट ले इस कंसोलिडेशन में और फिर मार्केट ऊपर दिखाए, या तो फिर इस कंसोलिडेशन में आके लोगों को ट्रैप करें, ये हो सकता है। तो हम लोग इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड करने वाले हैं। हम लोग कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी में किस तरीके से सारी चीज़ें कैप्चर करने वाले हैं, तो चलिए एक्सपायरी बेसिस पे हम लोग देख लेते हैं। हमने यहाँ पे लगा लिया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लिया है। मार्केट अभी ओवरऑल क्लोजिंग जो दिया है 66,263 के आसपास क्लोजिंग मिला है। तो अगर इसको मैं देखूं, हाँ कल अगर फ्लैट ओपन हो जाए, मार्केट कल अगर फ्लैट ओपन हो जाए इसी जोन में, तो हम लोग वेट करना है 66,218 इसके। मार्केट यहाँ यहाँ तक आए और यहीं से हम लोग पुट साइड का एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे डाउन साइड का, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा। यहाँ हम लोग सेफ प्लेयर जो है इस जोन पे एंट्री करेंगे 66,145 पे। नेक्स्ट हमारा जो टारगेट होगा 66,066 का, 66,066 का। उसके बाद हमारा टारगेट जो होगा वो 66,000 का होगा, जो कि राउंड फिगर साइकोलॉजिकल लेवल है। और ज़्यादा ज़्यादा मार्केट 65,930 तक नीचे जा सकता है अगर इसको ब्रेक कर दे। ये 65,930 सेंसेक्स के लिए मेक एंड ब्रेक जोन होने वाला है। ये लेवल को अगर होल्ड कर लिया तो एक शॉर्ट कवरिंग दिख सकता है, नहीं तो फिर वहीं से मार्केट में एक डाउनफॉल देखने को भी बढ़िया सा मिल सकता है, पैनिक सेलिंग जिसको बोलते हैं, राइट। अब कहीं मार्केट कल हो जाए गैप डाउन, गैप डाउन के सिनेरियो में जैसे कि मार्केट हो जाए 66,066 के पास, या तो 66,000 के पास, तो 66,000 जो है मार्केट के लिए एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो मार्केट यहाँ अगर साइडवेज दिखाए, साइडवेज होने के बाद ब्रेक डाउन दे, तो ये वाला लेवल देखने को मिलेगा 65,930 का। अगर इसको भी होल्ड ना करे तो मार्केट और नीचे जा सकता है। हाई प्रॉबिलिटी है, हाई पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अगर 66,000 को होल्ड करे तो मार्केट फिर से एक बार यहाँ तक का मूव दिखाना चाहिए, 66,145 एंड 66,263 तक का। ओके, फिर वहां से मार्केट अगर नीचे आए तो एक अच्छा सीन हो सकता है मार्केट के लिए। मार्केट कल फ्लैट ओपन होकर के अगर ऊपर निकलना शुरू करे तो ऊपर के लिए हमारा जो लेवल है, हाँ मार्केट ये वाला लेवल पे ध्यान रखना 66,285। इसके ऊपर निकले मार्केट 66,380 तक जा सकता है, और इसके ऊपर भी अगर निकल जाए तो 66,500 तक मार्केट जाएगा, और फाइनली हमारा 66,600 तक का टारगेट हम लोग ऊपर साइड का देख सकते हैं। बाकी अगर इसके ऊपर भी निकले तो एक बहुत ही फास्ट शॉर्ट कवरिंग दिखाएगा जो कि 66,750 तक का होगा। ओके, तो ये अपर साइड का लेवल है मार्केट। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा हमको लगता है कि यहीं से रिजेक्शन आ जाना चाहिए इस पॉइंट से, 66,380 मतलब 400 के आस
आसपास से, अगर इसको होल्ड करे तो मार्केट में अच्छा शॉर्ट कवरिंग अपर साइड का देखने को मिल जाएगा। मार्केट कहीं गैप अप ओपनिंग हो जाए जैसे 66,263 या 66,400 के आसपास कहीं ओपन हो जाए, तुम लोग ध्यान देना ये 66,400 को होल्ड कर रहा है या नहीं। अगर होल्ड ना करे तो मार्केट में एक अच्छा फिर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा ओवरऑल सेंसेक्स के लिए हमारा ये फुल एनालिसिस वीडियो था जहाँ हम लोग हीरो जीरो करने वाले हैं। कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी, तो 1:30 PM में मैं लाइव भी आ जाऊँगा जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि मार्केट में किस तरीके से लाइव ट्रेड हम लोग करेंगे, लाइव में कैसे हीरो जीरो ट्रैक करेंगे। अगर आप हमारे प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं या हमारे फ्री लर्निंग ग्रुप में भी जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट करिए और जाके ज्वाइन करिए। मिलते हैं कल एक नए फ्रेश लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत एंड जय झारखंड। थैंक यू।